फोन कर दोगे वो आ जाएगा। महेश प्रसाद श्रीवास्तव महोदय आवया अतिथिनाम विशिष्टा अतिथिनाम छात्राणाम। जो 12 नवंबर से जो है कि 19 नवंबर तक संस्कृत भाषण का शिविर जो आयोजित किया गया था, इसमें संस्कृत के बारे में आपको क्या ज्ञान हुआ, क्या आपने सीखा उसमें? जैसे संस्कृत के बारे में, जैसे वस्तुओं का नाम कैसे लेंगे, और फिर हम लोग टाइम जैसे बोलते हैं तो उसको हम संस्कृत में कैसे पूछ सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, तो मतलब कि कशि वादनम, तो हम लोग जैसे एक बज रहा है तो हम लोग बोलेंगे एक वादनम, अगर सवा एक बज रहा है तो सपात वादनम बोलेंगे, और साढ़े। संस्कृत हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? संस्कृत हमारे जीवन में इसलिए जरूरी है कि वो हमारे मन को शुद्धि देता है, और जो संस्कृत में अगर हम कुछ भी पूजा वगैरह करते हैं तो हम लोग संस्कृत में ही श्लोक बोलते हैं, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है। तो संस्कृत से बहुत, जैसे कि बहुत लोग टॉपर भी हुए हैं, और फिर संस्कृत तो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो क्या अब ये जो हमारी संस्कृत की भाषा है, इसे कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की जरूरत है? जी जरूर, बढ़ावा देने की बहुत जरूरी है, क्योंकि अब संस्कृत का पतन होते जा रहा है और बहुत कम लोग ही संस्कृत से रुचि रखते हैं, तो दूसरे को रुचि लगाने के लिए संस्कृत का बढ़ावा बहुत ही आवश्यक हो गया है। मेरा नाम डॉक्टर मुनीश कुमार मिश्रा है। हम लोग उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के तरफ से सभी विद्यालयों में संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है कि किस प्रकार से जो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है, वह कैसे सभी लोगों के मुख पर आ जाए, जनभाषा किस तरह से हो जाए, इसलिए सरकार की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है। और यह पहला प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है, और जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रशिक्षण दिया है विद्यापीठ परिसर शक्ति नगर में, यह सोनभद्र का पहला प्रशिक्षण है। इसमें लगभग 80 के आसपास छात्र छात्राएँ रहे, भाग लिया, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा एक सप्ताह के अंतर्गत, और उन्हें और अत्यधिक जानने की उत्सुकता हुई। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि संस्कृत हम क्यों पढ़ें, क्या कारण है संस्कृत पढ़ने का, उद्देश्य क्या है इसका, हमें फ़ायदा क्या होगा।